नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। कबीरदास जी कह गए हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूं। अभी हाल ही के दिनों में भारी डिमांड में आए आयुर्वेदिक काढ़े को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आयुर्वेद में मानव शरीर का इलाज वात, पित्त और कफ में बांटा गया है। भोजन से लेकर चिकित्सा तक इसी आधार पर होती है। इसके साथ ही खान पान को भी मौसम के अनुसार बांटा गया है। लोगों ने काढ़े को रामबाण समझ लिया है और हर कुछ घंटे के बाद वे वायरस संक्रमण से बचने के लिए काढ़ा पी लेते हैं। इस संबंध में आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि जरूरत से ज्यादा काढ़ा शरीर को नुकसान भी पहुँचा सकता है। अपने इस वीडियो में आज हम इस पर बात करेंगे। काढ़ा क्या है, काढ़े में जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनके क्या फायदे हैं, क्या गर्म मौसम में काढ़ा पीना सुरक्षित है, गर्मियों में काढ़ा कितना और कैसे पिया जाए, गर्मी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा पीना कितना सुरक्षित है और काढ़ा क्यों कर सकता है नुकसान, इसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। वायरस के कहर को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों को आयुष काढ़ा पीने की सलाह दी है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। महामारी के इस समय में अच्छा होगा ऐसे एहतियाती कदम उठाए जाए जो इस समय हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आयुष मंत्रालय ने दिन में एक या दो बार हर्बल चाय पीने या तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखा अदरक और मुनक्का का काढ़ा पीने की सलाह दी है। इसके अलावा सुबह और शाम दो बार नाक में तिल का तेल या घी डालने की सलाह दी है। आयुष मंत्रालय का कहना है कि हर्बल काढ़ा लेने से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिल सकती है। हर्बल काढ़े में चार औषधीय जड़ी बूटियों का समावेश किया गया है जो भारतीय रसोई में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आयुष काढ़ा आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं। आयुष काढ़ा रेसिपी: तुलसी चार पत्ते, दालचीनी की छाल दो टुकड़े, सौंठ दो टुकड़े, काली मिर्च एक, मुनक्का चार। हर्बल टी या काढ़ा बनाने के लिए आप तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का को उबाल लें और इसे छानकर दिन में एक या दो बार इसका सेवन करें। ऐसा आप दिन में एक या दो बार कर सकते हैं। अगर आपको इस काढ़े को पीने में परेशानी आए तो टेस्ट के लिए आप इसमें गुड़ या नींबू रस मिला सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने सलाह दी है कि सूखी खांसी या गले में सूजन के लिए दिन में एक या दो बार पुदीने की ताजा पत्ती या अजवाइन के साथ भाप ले सकते हैं। खांसी या गले में खराश के लिए दिन में दो से तीन बार प्राकृतिक शक्कर या शहद के साथ लौंग पाउडर लेने की सलाह दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं काढ़े में जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनके क्या फायदे हैं। वाइटामिन सी और आयरन से भरी है तुलसी। तुलसी की पत्तियों में वाइटामिन और खनिज तत्व मौजूद होते हैं। इसमें मुख्य रूप से वाइटामिन सी, कैल्शियम, जिंक और आयरन आदि पाए जाते हैं। इससे गले और पेट के रोगों में आराम मिलता है। काली मिर्च में पोषक तत्व: काली मिर्च में पेपरिन नाम का तत्व पाया जाता है। यह तत्व औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, वाइटामिन ए और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। खांसी जुखाम के लिए रामबाण है अदरक। अदरक में अनेक विटामिन्स के साथ साथ मैग्नीज और कॉपर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अदरक को सर्दी खांसी के लिए नेचुरल दवाई के रूप में रामबाण कहा जाता है। खून की कमी को पूरा करता है मुनक्का। मुनक्का में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन होता है। ये शरीर में खून की कमी को पूरा करने, थकान और कमजोरी से छुटकारा दिलाने, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इलायची के पोषक तत्व:
इलायची में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और कई प्रकार के खनिज और विटामिन पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक का भी अच्छा सोर्स होती है। इसके अलावा इलायची से विटामिन सी तथा विटामिन बी समूह के पाइरोडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन, थायमिन आदि प्राप्त होते हैं। इलायची में पाए जाने वाले तेलीय तत्वों के कारण इसमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं गर्मी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा पीना कितना सुरक्षित है। सर्दियों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम आयुर्वेदिक काढ़ा पीते हैं, लेकिन क्या इस मौसम में यानी इतनी गर्मी में काढ़ा पीना सुरक्षित है? दोस्तों हैरान मत होइए, सर्दियों में इतनी लोकप्रिय और घर में मौजूद औषधि पर हम सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। इस समय हम काढ़े पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वायरस संक्रमण से बचने के लिए इस समय काढ़ा पिए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। संक्रमण से बचने के लिए जब तक कोई दवा नहीं बन जाती, तब तक हमें उन आयुर्वेदिक औषधि पर ही भरोसा करना है जो प्राकृतिक तौर पर इम्यूनिटी बूस्ट करती है। इससे पहले कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप आयुर्वेदिक काढ़ा पीना शुरू कर दे, आइए जानते हैं क्या है आयुर्वेदिक काढ़ा। काढ़ा एक आयुर्वेदिक औषधीय पेय है जिसमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के औषधीय गुण हैं। इसे कुछ औषधीय पौधों को उबालकर बनाया जाता है, जैसे गिलोय, तुलसी, मुलैठी और कुछ औषधीय मसालों जैसे अदरक, हल्दी और दालचीनी। यह औषधीय पेय मौसमी जुकाम और संक्रमण से बचाने में मददगार होता है। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है जो अर्थराइटिस, लगातार होने वाले सरदर्द, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी और लीवर जैसे रोगों के शिकार हैं। वायरस संक्रमण के समय में यह कैसे मददगार साबित हो सकता है? काढ़ा इस खतरनाक बीमारी को आपसे दूर रखने की एक सर्वोत्तम औषधि है क्योंकि इसमें जड़ी बूटियां और मसालों का मिश्रण होता है, इसलिए यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिससे यह इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार हो सकता है। अब तक आई कई रिपोर्ट इसी बात को दोहरा रही है कि ये वायरस उन्हीं पर ज्यादा घातक होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे में काढ़ा पीना आपको इस महामारी से बचाने का रक्षा कवच है। पर क्या इस गर्म मौसम में काढ़ा पीना सुरक्षित है? काढ़ा एक हेल्दी ड्रिंक है जिसका सेवन सर्दियों में किया जाता है, पर इस गर्म मौसम में अगर कोई जरूरत से ज्यादा काढ़ा पीने लगे तो इससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, जी मचलना, नाक से खून बहना और छाती में जलन आदि शामिल है। ऐसा काढ़े में इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मोजेनिक इंग्रेडिएंट्स के कारण होता है। असल में काढ़ा बनाने के लिए ऐसी कुछ औषधीय हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे काली मिर्च, अदरक और हल्दी। ये सभी इंग्रेडिएंट्स शरीर की गर्मी को बढ़ा देते हैं जिससे आपको एसिडिटी होने लगती है। गर्मियों के मौसम में शरीर में गर्मी का बढ़ना कई तरह के दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा काढ़ा बनाने में शहद, गुड़ या चीनी का प्रयोग करना मिठास बढ़ाने के लिए, डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। आखिर गर्मियों में काढ़ा कितना और कैसे पिए? काढ़ा पीने का सर्वोत्तम समय सुबह का है, उठने के एक घंटे बाद आप काढ़ा पी सकते हैं। अगर आप शाम के समय काढ़ा पीना चाहते हैं तो 4 से 5 बजे का समय ठीक रहेगा, जिस समय गर्मी इतनी ज्यादा नहीं रह जाती। अगर आप सुबह के समय काढ़ा पी रहे हैं तो ध्यान रखें इसे खाली पेट बिल्कुल न पिए, क्योंकि इसमें मौजूद सामग्री आपको एसिडिटी पैदा कर सकती है, इसलिए इसे नाश्ते के बाद पीना बेहतर होगा। अगर आप जी मचलना, एसिडिटी, गर्मी या किसी तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं तो एक दिन में 150 मिलीलीटर से ज्यादा काढ़ा न पिए। बेहतर परिणाम के लिए ये जरूरी है कि आप दिन भर में 1 या 2 बार से ज्यादा इसको न पिए। उन मसालों की मात्रा सीमित रखें जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे काली मिर्च, अदरक और हल्दी। काढ़ा बनाने में शहद को भी ऐड करें जिससे कि हार्ट बर्न और एसिडिटी जैसी समस्या से बचा जा सके। अगर आप डायबिटिक है तो काढ़ा बनाने में शहद और मुलैठी का ज्यादा इस्तेमाल न करें। अगर आपका शरीर इसे पचा नहीं पा रहा है तो बेहतर है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेमन टी, ग्रीन टी, होममेड ब्लैक टी, ब्लैक या ग्रीन कॉफी का सेवन करें।
काढ़ा अगर सही मात्रा में और सही तरीके से लिया जाए तो यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाकर आपको कई तरह के संक्रमण से मुकाबला करने में मदद कर सकता है। यदि आपको लगातार काढ़ा पीने के बाद परेशानी महसूस होती है तो अपने डॉक्टर या फिर आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। दोस्तों आइए जानते हैं कि काढ़े से होने वाले नुकसान और उनके कारणों के बारे में। ये 5 लक्षण देखे तो सावधान हो जाए। नाक से खून आ सकता है, खासकर बीपी के मरीजों और नाक से जुड़ी समस्याओं के मरीजों में ऐसा हो सकता है। नाक से खून आने पर गंभीर हो जाएं, मुंह में छाले पड़ सकते हैं। काढ़े के कारण मुंह के अंदर दाने हो सकते हैं जो बाद में छाले का रूप ले सकते हैं। इससे खाना खाने में परेशानी हो सकती है, एसिडिटी की परेशानी हो सकती है, पाचन क्रिया तक गड़बड़ा सकती है। खट्टी डकारे आने पर सावधान हो जाए। यदि आप भारी खाना नहीं खा रहे हैं तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। पेशाब करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पेशाब करते समय जलन महसूस हो सकती है। यदि ऐसी कोई समस्या आपको हो रही है तो सावधान हो जाए। काढ़ा क्यों कर सकता है नुकसान? आयुर्वेद के विशेषज्ञ बताते हैं कि काढ़े की मात्रा और उसमें कितना पतला या गाढ़ा होना चाहिए यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। इसका निर्धारण व्यक्ति की उम्र, मौसम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। काढ़े में काली मिर्च, हल्दी, गिलोय, अश्वगंधा, दालचीनी, इलायची और सौंठ जैसे मसाले डाले जाते हैं। इनकी तासीर गर्म होती है, ये सभी शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। इस गर्मी के कारण ही नाक से खून आने और एसिडिटी जैसी समस्याएं होती है। काढ़ा गर्म होता है और इसे पीने के कारण मुंह का स्वाद थोड़ा खराब हो जाता है। लोग ज्यादा फायदे के लिए काढ़ा पीने के बाद लंबे समय तक पानी भी नहीं पीते हैं। शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण हमारी कोशिकाओं में पानी की मांग बढ़ जाती है, जबकि हम पानी की कम मात्रा पीते हैं। यदि आप किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह नहीं ले पा रहे तो काढ़ा बनाते समय सतर्क रहे। न सिर्फ सामान की क्वालिटी बल्कि मात्रा को लेकर भी विशेषज्ञों की राय है कि जब भी आप काढ़ा पीते हैं तो शरीर में होने वाले बदलाव पर ध्यान दें। यदि खट्टी डकार, एसिडिटी, पेशाब करने में दिक्कत हो तो तुरंत सामग्री की मात्रा को कम कर दे। काढ़े में ज्यादा पानी डाले और इसकी मात्रा भी कम ले। काली मिर्च, इलायची, अश्वगंधा, सौंठ और दालचीनी की मात्रा को कम ही रखे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी और काढ़े के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ सुझाव भी है तो वो भी हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।